जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले भैया कोशिका यानी सेल। देखते हैं भैया कोशिका, ये जो कोशिका है, कोशिका इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल। क्या बोलते हैं भैया? सेल। जो कोशिका है भैया, ये लैटिन भाषा के एक सेलुला नामक शब्द से लिया गया है। जो लैटिन भाषा भैया, लैटिन भाषा के सेलुला नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। यानी भैया इस ये किसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कोशिका जो सेल है, सेल का भैया छोटा सा कमरा यानी कोशिका। तो इसकी जो डिफिनेशन होगी भैया, डिफिनेशन क्या देंगे हम लोग यहाँ पे, तो डिफिनेशन बोल सकते हैं यहाँ पे, शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। तो भैया मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। बात करते हैं भैया इसको थोड़ा समझते हैं। जो शरीर की संरचनात्मक है, तो ध्यान दें, शरीर की संरचनात्मक यानी भैया संरचना वाली जो थोबड़ा बना हुआ है, जो ये दिख रहा है थोबड़ा, ये नाक कान ये सब क्या भैया, ये शरीर की संरचनात्मक यानी जो आकार बना है, थोबड़ा बना हुआ है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यानी सबका कार्य अलग अलग होता है भैया। नाक काम सुगना ठीक भैया, सुगंध दुर्गंध, मुख बोलना, आग काम देखना, अच्छा बड़ा, यानी कि शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक, कार्य मतलब ये कार्य कर रहे हैं, एवं मूलभूत इकाई को, मूलभूत इकाई यानी जो कार्य कर रही है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी कोशिकाएं हैं, ऊर्जा है, सब काम कर रही है, जो आत्मा अंदर घुसी है। दुनिया में सबसे बड़ा कोई भूत होता है ना, तो इंसान ही होता है, इससे बड़ा भूत कोई होता नहीं है, ठीक है। यानी कि शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो कोश की खोज कौन किया था भैया, यानी भैया कोश की खोज था, इसकी खोज भैया, इसकी खोज, तो खोज की बात करें तो भैया रॉबर्ट हुक, भैया रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने भैया करते थे 1665, भैया 1665 ईस्वी में किए थे, जो रॉबर्ट भैया 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए थे भैया। लेकिन उन्होंने मृत कोश से खोज की भैया, मृत यानी मरी हुई कोश की खोज किए थे। फिर वैज्ञानिक आते हैं भैया एंटोनी वान लुबेनहॉक, इन्होंने भैया 1674 ईस्वी में जीवित कोश की खोज किए। कब के भैया, 1674 यानी 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लुबेनहॉक ने जीवित कोशिका खोज भैया, जीवित कोशिका की खोज की भैया एंटोनी वान लुबेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की। और देखो ध्यान से भैया, जो कोशिका होती है, बात कर लेते हैं, जितने भी जीव होते हैं दुनिया में, जितने भी जीव होते हैं, या चाहे एक कोशिका हो चाहे बहु कोशिका, सभी कोशिका से मिलकर बने होते हैं, चाहे इतने छोटे हों इतने बड़े हों, सभी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो बात कर लें कि जो कोशिका होती है इस दुनिया में, यानी पृथ्वी पे, पृथ्वी पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, पृथ्वी पे पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका भैया क्या है, माइकोप्लाज्मा। क्या बोलेंगे भैया, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या भैया, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। क्या भैया, माइकोप्लाज्मा ठीक भैया, क्या है, माइकोप्लाज्मा। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या भैया, माइकोप्लाज्मा। बड़ी की बात कर ले भैया, तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर पाई जाने वाली वाली सबसे बड़ी कोशिका भैया किसका, शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्या है, शुतुरमुर्ग का
का अंडा है ठीक है भैया, जैसे नहीं मुर्गी का अंडा होता भैया, तपासु सुरम का अंडा होता 1.5-2 किलो होता, तो शरीर पृथ्वी पाए जाने सबसे बड़ी कोशिका होती है सुरम का अंडा। अगर हम बात कर लें शरीर की बात कर लें भैया, शरीर तो जो शरीर की बात कर लें भैया, जो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो क्या होगी भैया, यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका भैया क्या है, अंडाशय का, मादा का अंडाशय, ये मादा होगा क्या, मादा का अंडाशय सबसे बड़ी कोशिका भैया, मादा का अंडाशय होता है। अब बात कर लें दूसरे सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा सबसे छोटी कोशिका यानी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है भैया शुक्राणु, क्या होता है भैया शुक्राणु, ठीक है शुक्राणु। अब बात करें बड़ी तो हो गई छोटी भी हो गई, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है भैया मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तो लंबी कोई बात कर ले भैया, तो देखो जो अगला पॉइंट है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका भैया तंत्रिका तंत्र है, क्या भैया तंत्रिका तंत्र, सबसे लंबी क्या भैया तंत्रिका तंत्र, सबसे छोटी क्या होती है शुक्राणु, सबसे बड़ी क्या होती है अंडाशय यानी उसके अंडाणु भैया, क्या होता है यहाँ पे अंडाणु, क्या होता है माता कहें अंडाणु, ठीक भैया जो अंडाणु होता है सबसे छोटी कोशिका होती है अंडाणु, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये हो गया सबसे बड़ी और छोटी, तो जो रॉबर्ट हुक ने इन्होंने कोशिका का जो स्ट्रक्चर बनाया था, जो बताया था उन्होंने क्या बताया था थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उन्होंने बताया भैया उनका हम ये जो कोशिका यहाँ पर नोट कर लिए भैया इसे ध्यान दीजिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा इन्होंने क्या किया रॉबर्ट हुक जी ने, इन्होंने बताया जो कोशिका होती भैया कुछ मधुमक्खी के छत्ते नुमा होती है, कैसे होती भैया मधुमक्खी के छत्ते नुमा, उन्होंने प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लिया भैया उसमें कुछ संरचना ऐसी संरचना देखा, कुछ इस तरह की संरचना देखा उन्होंने मधुमक्खी छत्ते नुमा, देखा उन्होंने क्या, देखा उन्होंने क्या बताया ध्यान से देखिए, देखिए इसे बीच बीच में भैया मधुमक्खी छत्ते नुमा है ना, ध्यान दीजिए अच्छा ये है मधुमक्खी छत्ते नुमा संरचना है, और जो बीच में ये गोल गोले लड्डू हैं लड्डू में केंद्रक हैं, देखिए ये सिंपल सा ही संरचना बन गया। उन्होंने कहा भाई जो संरचनाएँ दिखाई पड़ रही इसमें, जो संरचनाएँ दिखाई पड़ रही भैया ये सब संरचनाएँ क्या है, उन्होंने कहा भैया कोशिका है, क्या नाम दिया उन्होंने रॉबर्ट हुक ने कहा भैया, जो रॉबर्ट हुक उन्होंने कहा भैया जो संरचनाएं दिखाई पड़ रही है क्या है कोशिका है, तो उन्होंने कहा कोशिका है, और इन्होंने इसकी खोज कब की भैया 1665 में, ये बहुत प्रसन्न हो गए भैया कोशिका खोज कर लिए, इन्होंने सोचा भैया आप तो हम वैज्ञानिक बन गए पूरी तरह से, इन्होंने कोशिका खोज करने में बहुत प्रसन्न हो गए लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा भैया कि कोशिका अंदर कुछ गोल गोल रखा हुआ है, फिर भैया खोज कर रहे थे और बीच में लड्डू रखा है खा के पानी पीने दिया था, लेकिन उन्होंने बस मार प्रसन्न हो गए भैया खोज कर लिया हम वैज्ञानिक बन गए पूरा खोज कर चुके हैं, इन्होंने बीच में ये नहीं देखा कि भैया बीच में कुछ गोल गोल दिखाई दे रहा है, तो भैया आते हैं वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, जो रॉबर्ट हुक है भैया रॉबर्ट हुक मालूम कुछ खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने 1665 में, अब आते हैं वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने कहा भैया ये जो रॉबर्ट हुक जी थे उनसे कहा कि भैया जो बीच में लड्डू दिख रहा है भैया जो लड्डू तेरा नाना दिख रहा है ये क्या है, तो रॉबर्ट जी को कुछ बता ही नहीं पाते भैया कहने ये कुछ होगा, तो रॉबर्ट हुक ने कहा ये जानते हो कहा है केंद्रक है, क्या भैया ये केंद्रक, तो रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि भैया केंद्रक खोज किए, रॉबर्ट ब्राउन जो थे भैया रॉबर्ट ब्राउन भैया 1831 में केंद्रक की खोज किया,
यानी रॉबर्ट ब्राउन ने भी एक केंद्रक की खोज किया। अब केंद्रक कहाँ आगे बताऊंगा, ठीक है अभी यहाँ पर नहीं करूँगा। तो भी ध्यान दीजिए, क्रून ने और कुछ पूछा भाई, इसमें जो द्रव भरा हुआ कोश के अंदर क्या भरा हुआ भाई, द्रव जो कोशिकाएं हैं इनके अंदर क्या भरा हुआ है, द्रव। ठीक भैया, इधर किसके अंदर भरा हुआ है, तो कोशिका के अंदर भरा हुआ, इधर किसके में है, कोश के अंदर द्रव भरा हुआ, तो उसका नाम क्या पड़ गया भैया, इधर जो द्रव था किसके अंदर भरा हुआ है, कोश के अंदर, इसका नाम क्या पड़ गया भैया, कोशिका द्रव्य। क्या पड़ गया भैया, कोशिका द्रव्य। और जो जो बाहरी परत दिख रही भैया, इस परत को क्या बोलते हैं भैया, इस परत को प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली, या भैया बोलते हैं कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो उन्होंने बताया भाई, जो इसका रासायनिक संगठन होता है किससे किससे मिलके बनी हुई है, तो जो कोशिका होती भैया बनी होती है, पहला क्या होता है, पहला तो बनी होती भैया कोशिका द्रव्य से बनी है, सॉरी कोशिका कला, कोशिका कला कहें भैया या प्लाज्मा झिल्ली कहें, क्या बोले भैया, प्लाज्मा झिल्ली, इसमें पहला कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, जो बाहरी परत होती है भैया, क्या प्लाज्मा झिल्ली है, नहीं कोशिका झिल्ली। तो उन्होंने बताया दूसरा जो होता है भैया, वो होता है भैया केंद्रक, क्या होता है भैया, केंद्रक। और तीसरा जो हमारे भाग होता है भैया, उससे क्या कहते हैं भैया, कोशिका द्रव्य, क्या कहते हैं भैया, कोशिका द्रव्य। यानी ये जो कोशिका द्रव्य भैया, इन सभी से क्या मिलकर बना होता है, ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीट नोट कर लीजिए, ओके। देखिए भैया, इन तीनों से क्या होता है, मिलके कोशिका बनी हुई है। तो वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने कहा उनका नाम था भैया डुजार्डिन, क्या नाम था भैया, डुजार्डिन। उन्होंने कहा, थोड़ा समझ लेते हैं इनके बारे में, आगे बताऊंगा, थोड़ा समझ लो, थोड़ा सा भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये जो भाग होता है भैया, कोशिका केंद्रक भैया, और ये कोशिका द्रव्य, क्या बोला भैया, कोशिका द्रव्य। जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य और क्या भैया, कोशिका और केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली, इनके समूहों को क्या बोलते हैं भैया, इनके समूह हम बोल सकते हैं भैया, क्या बोलेंगे यहाँ पे, इनके समूह बोलते भैया जीव द्रव्य, क्या बोलते भैया, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य यानी बोलते भैया प्रोटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो जीव द्रव्य, इसकी खोज वैज्ञानिक डुजार्डिन ने किया, कौन भैया, डुजार्डिन किए थे। हैक्सले ने बताया, हैक्सले के वैज्ञानिकों ने बताया कि भैया यह जीवन का भौतिक आधार बनाता है। और भैया इसका नाम जो था, इसका जो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म नाम वैज्ञानिक थे, उनका नाम है भैया पुरकिंजे। जो पुरकिंजे थे भैया, उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था भैया, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य नाम रख दिया था। ये खोज तो नहीं किए थे, जो जीव द्रव्य खोज है वैज्ञानिक डुजार्डिन ने किया था, वो तो इतना लिख दिए, आगे बताता हूँ उसके बारे में अच्छा सा।